मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद मनी, रुपीज एंड पैसे कैन बी रिटर्न इन डेसिमल फॉर्म। सो सबसे पहले 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, मतलब 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं 100। एंड 50 पैसा इज इक्वल टू 0.50 रुपी, मतलब 1 रुपी का हाफ। नेक्स्ट 5 पैसे किसके इक्वल होते हैं 0.05 रुपी के इक्वल होते हैं। सो रुपीज 17 एंड 25 पैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं, रुपीज 17.25, मतलब 17 रुपी 25 पैसे। सिमिलर रुपीज 7 एंड 5 पैसे, हाउ कैन वी राइट इट, रुपीज 7.05, क्यों, क्योंकि 5 पैसा ओनली है तो इसलिए 0.5 लिखा है। रुपी 8 इज इक्वल टू रुपी 8.00, 10 पैसा इज इक्वल टू रुपी 0.10। सो फर्स्टली मल्टीप्लाई रुपी 20, 40 एंड 40 पैसे विद 5। मल्टीप्लाई रुपी 20, 40 पैसे विद 5। सबसे पहले हम रुपी 20 एंड 40 पैसे को किस कैसे लिख सकते हैं, रुपी 20.40, मतलब डेसिमल। अब क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ। तो 20.40 मल्टीप्लाई विद 5, 500, 5 4 20, 0, टेक 2 एज कैरी एंड राइट डेसिमल, क्यों, क्योंकि आफ्टर 2 प्लेसेस वी हैव अ डेसिमल। सो नेक्स्ट 500 0 0 प्लस 2 2, 5 2 10, तो आंसर क्या आ गया 100 0 0, दैट मीन्स रुपी 102, क्योंकि पैसे की वैल्यू तो 0 0 है, तो हमारे पास क्या है रुपी 102। पहले तो हमने मल्टीप्लाई किया, अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 15 रुपी 30 पैसे को 5 के साथ। सबसे पहले रुपी 15 30 पैसे को कैसे लिख सकते हैं, 15.30, रुपी 15.30। अब इसको डिवाइड करो 5 के टेबल पे, 5 3 15, माइनस 5 5 0, 1 1 0, 3। अब 5 जो 3 है, 5 से क्या है छोटा है, तो क्या आएगा 0, क्योंकि 5 के टेबल पे 3 नहीं आता, तो यहां पे भी 0 और यहां पे क्या लगेगा डेसिमल, क्यों, क्योंकि 2 नंबर्स के बाद क्या है डेसिमल है, और यहां पे 0 है तो ऊपर भी 0 ही लिखेंगे हम क्वेश्चन में भी। अगर हम डिवाइजर को जब डिवाइड करते हैं, आंसर डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 प्लेस करते हैं और क्वेश्चन में भी 0 लगाते हैं। नेक्स्ट 3 माइनस 0 3, और ऊपर क्या है 0, 5 6 30, तो आंसर क्या आ गया रुपी 15.30 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज रुपी 3.06। नेक्स्ट इज यूनिटरी मेथड्स। द यूनिटरी मेथड इज वन बाय विच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मल्टीपल एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्रॉम अ यूनिट। मतलब क्या है इसका, कि हम विच वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ यूनिट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मल्टीपल, मतलब मल्टीपल से यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्रॉम यूनिट, ये दोनों से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, यूजली दिस इन्वॉल्व्स बोथ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मतलब जब हम यूनिट को मल्टीपल से करते हैं तो हमारी मल्टीप्लीकेशन होती है, जब हम मल्टीपल को यूनिट से करते हैं तो डिवीजन होती है। सो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल, द प्राइज ऑफ 5 क्रियोन्स इज रुपी 13 एंड फाइंड द प्राइज ऑफ 1 क्रियोन। देखो हमें 5 क्रियोन्स की कॉस्ट बताई है, बट हमने फाइंड किसकी करनी है 1 की, तो वो कैसे होगा डिवाइड करके। द प्राइज ऑफ 5 क्रियोन्स इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द प्राइज ऑफ 1 क्रियोन, राइट 13 एज 13.00 एंड डिवाइड, मतलब प्राइस ऑफ 5 क्रियोन्स इज इक्वल टू रुपी 13, प्राइस ऑफ 1 क्रियोन रुपी 13 डिवाइडेड बाय 5, इसको डिवाइड करो
फाइव मतलब पहले जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि वन है जो फाइव से छोटा है, तो फाइव टू जा टेन। अब 13 में से 10 माइनस किया, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 1 0, नेक्स्ट नंबर कौन सा है 0, 5 6 जा 30, रिमाइंडर क्या आ गया 0, और ये 0 एज इट इज है, इसको एज इट इज ही हमने क्वेश्चन में ऐड कर देना है। तो आंसर कितना आ गया, रूपी 2.60, द प्राइस ऑफ वन क्रियोन इज रूपी 2.60। If the cost of 17 pencil boxes is rupees 340, find the cost of 30 such boxes. अब देखो 17 pencil के box pencil box का cost बताया हमें, और हमने find करना है पहले तो one pencil का, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें divide, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा 30, 30 का कैसे फाइंड करोगे? अगर हमें वन पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट फाइंड होगी तो ही हम 30 की फाइंड कर सकते हैं, मतलब उसको मल्टीप्लाई करके। सो द कॉस्ट ऑफ 17 पेंसिल बॉक्सेस गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 पेंसिल बॉक्सेस। टू सॉल्व दिस फर्स्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बॉक्स। कॉस्ट ऑफ 17 बॉक्सेस रुपी 340 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बॉक्स इज इक्वल टू रूपी 340 डिवाइडेड बाय 17। इसको 17 के साथ डिवाइड करो, 17 340 को 17 के साथ, 17 टू जा 34 एंड 0 एज इट इज, और राइट इट एट इन अ क्वेश्चन, रूपी क्या आ गया 21, पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट कितनी है 20 रूपी। नाउ मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बॉक्स विद 30 टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 पेंसिल बॉक्स। सो कॉस्ट ऑफ 30 पेंसिल बॉक्स क्या करोगे, रूपी 20 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, वो कितना आ जाएगा रूपी 600। द कॉस्ट ऑफ 30 पेंसिल बॉक्स इज रूपी 600। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ 10 पेस्ट्रीज इज रूपी 440, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 सच पेस्ट्रीज। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 10 पेस्ट्री की मतलब कॉस्ट इतनी है, सबसे पहले हमें 1 की कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी, वो कैसे करेंगे डिवाइड करके, उसके बाद जो 1 पेस्ट्री की कॉस्ट आएगी उसको 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ 10 पेस्ट्रीज इज इक्वल टू रूपी 440 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेस्ट्री इज इक्वल टू रूपी 440 डिवाइडेड बाय 10। 10 को 440 से डिवाइड करो, 10 फोर जा 40, 10 फोर जा 40 कितना आ गया रूपी 44। अब हमने क्या करना है, ये वन पेस्ट्री की कॉस्ट आ गई, तो कॉस्ट ऑफ 15 पेस्ट्री कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ वन पेस्ट्री इज इक्वल टू 44 रुपी एंड कॉस्ट ऑफ 15 पेस्ट्री इज इक्वल टू रुपी 44 मल्टीप्लाई 15। अब 44 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 फोर जा 20, टेक 2 एज कैरी, 5 फोर जा 20, 20 प्लस 2 22, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4 0, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6, तो कितना आ गया 660 रुपी। सबसे पहले हमने क्या किया, 10 पेस्ट्री की कॉस्ट गिवन थी, 1 पेस्ट्री की फाइंड की कैसे 10 पेस्ट्री को डिवाइड करके, और उसके बाद हमने 15 की फाइंड करनी थी, वो कैसे की हमने 1 पेस्ट्री की कॉस्ट के साथ 15 पेस्ट्री को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ गया।